वेलकम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। सो लिटरल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट। लिटरल मतलब जो लफ्जी माना है कंप्यूटर की, कि एक ऐसी डिवाइस जो कि कैलकुलेट कर सके। अब कंप्यूटर से हिसाब से देखा जाए तो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हाई लेवल की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस हम जो डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर जो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट रिसीव करे, उसको स्टोर करे या उसको प्रोसेस करे और हमारे डिज़ायर्ड फॉर्मेट में उसका आउटपुट प्रोवाइड करे। तो नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉडल, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, कि कैसे प्रोसेस होता है, कि सिंपलेस्ट जो प्रोसेस होता है, सिंपलेस्ट वर्क फ्लो होता है कंप्यूटर का, वो किस टाइप का होता है। यूज़र अपना इनपुट देता है, फिर वो प्रोसेस होता है या स्टोर कहते हैं होता है, उसके बाद स्टोर होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद हमें हमारे डिज़ायर फॉर्मेट में उसका आउटपुट रिसीव होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन, इसको सिंपली अगर हम समझें कि अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं और हमारे पास दो वैल्यूज हैं, मैं इंटर करता हूँ 5 + 5, तो 5 + 5 मैंने इंटर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता कि उसका आउटपुट क्या आएगा। अब मेरे पास डेटा था, मैंने कंप्यूटर को वो दिया, ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू है 10, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। यूज़र ने डेटा दिया, वो प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद हमारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें उसमें इन्फॉर्मेशन मिली। कौन कौन से जो हैं ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको नंबर्स का, क्योंकि हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालना, एडिशन करना, और लॉजिकल ऑपरेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, मतलब असाइन। नेक्स्ट है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक पार्ट कौन से, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस, जैसे आप कह लें कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ हों। तो इनपुट यूनिट क्या है, सेम डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस, जो कि इनपुट पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ हों कंप्यूटर को, वो कहलाती हैं इनपुट यूनिट। वैसे ही सेम आउटपुट यूनिट ऐसी डिवाइसेस जो हमें हमारे डिज़ायर्ड फॉर्मेट में यूज़फुल इंफॉर्मेशन दें, जैसे डिवाइस लाइक विजुअल डिस्प्ले, प्रिंटर, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं उसे कंट्रोल करता है, जो हमारी इंट्रैक्शन होती है कंप्यूटर्स के साथ उसे कंट्रोल करता है। ठीक है जी, डेफिनेशंस भी मैंने साथ लिख लिए हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि दिस यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, ऑल द डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही इंट्रैक्शन होती है। फिर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आल्सो कहता था विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जहाँ पे लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन दोनों होते हैं। फिर आती है हमारे पास मेमोरी, हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस और जो हमारा इनपुट डेटा होता है वो प्रोसेस होता है, या हम कह सकते हैं कि स्टोर होता है वो मेमोरी में। अब मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी विथ इन द सीपीयू होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल। जैसे अब सेकेंडरी डिवाइसेस कौन कौन सी है हमारे पास, CD-ROM, USB, ये जो है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसे हम कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी इज कॉल्ड
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जी हाँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड CPU. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, लेट मी शो यू अगेन, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, ये सारे जो परफॉर्म हो रहे होते हैं ये विद इन द CPU हो रहे होते हैं. कंट्रोल यूनिट यूज टू कंट्रोल, देयर इज अ डिफरेंस. आपको कंट्रोल यूनिट, CPU और कंट्रोल यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट यूज होता है कंट्रोल करने के, जितने भी इंट्रैक्शन हो रही होती हैं वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू हो रही होती हैं, ठीक है. और जिसके अंदर हो रही, और बस ये सारे जो पार्ट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, इनका कम्बिनेशन जो उनको मिला के हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हार्डवेयर. ऐसी डिवाइसेस जिसको आप देख सकें और टच कर सकें वो हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या है, सिंपल डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रोग्राम होता है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है. अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के काफ़ी एग्जांपल है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एडोब के सॉफ्टवेयर्स, जो फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर. नेक्स्ट है हमारे पास बूटिंग. बूटिंग क्या है, बूटिंग है स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्ट में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं, या सिंपली आप कह दें कि स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर जो है वो बूटिंग कहलाता है, ठीक है. अब बूटिंग के बाद आपके पास क्या आता है, बूटिंग के पास आपके पास जो है बायो सेटिंग शो हो रही होती है, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो बायोस कहलाता है हमारा. बायोस इज अ फ्रेमवेयर. फ्रेमवेयर क्या है, फ्रेमवेयर मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक हार्ड परमानेंटली एक हार्डवेयर के लिए बनाया गया हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग. बूटिंग की दो टाइप होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग. कोल्ड बूटिंग जब होती है जब कंप्यूटर को हम पावर सप्लाई देते हैं, और पावर सप्लाई के बाद जब जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट स्टेज बायोस आता है जो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग. और वार्म बूटिंग जिसे हम विच इज़ आल्सो कॉल्ड रीबूट. रीबूट करते हैं जब कंप्यूटर को, ठीक है, जब रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो वो प्रोसेस होता है वार्म बूटिंग का. और वार्म बूटिंग जो है वो फास्टर होती है कोल्ड बूटिंग से, ठीक है. ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आज के वीडियो में मैंने कवर की. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.